अपनी गवाही बता सकूं अपने जीवन की। मैं खासकर आप लोगों के बीच में ये बताऊंगी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारी लाइफ में हमें सीनियर पास्टर जी और मैम अक्रोनो मिले, ताकि वो अपना घर बार सब छोड़ के यहाँ पे परमेश्वर ने चुना हमारे लिए यहाँ पे आए, ताकि हम उनके द्वारा हमारे जितने भी हम यहाँ पे उपस्थित हैं हमारा एक एक का जीवन बदला है। हम पास्टर जी का धन्यवाद हमेशा करना चाहिए कि पास्टर जी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनकी हर एक वचन के अनुसार हमारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ा और यहाँ पे सेवा कार्य करने के लिए आए, जिसके द्वारा हम एक एक जन उपस्थित हुए हैं, ताकि हम एक तन एक मन एक आत्मा में होके खुदा की महिमा स्तुति कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके आत्मा और सच्चाई में होके, ताकि हम उसके दास दासनी का आना यहाँ पे रहना सुसमाचार प्रचार करना व्यर्थ ना जाने पाए। मैं खुदा का धन्यवाद करूंगी कि हम सबके अंदर एक ही चाहत होनी चाहिए, हमेशा हमें अपने सीनियर पास्टर जी फैमिली के लिए प्रेयर करनी चाहिए, ताकि आत्मिकता में उनकी शरीर की कंडीशन में हर चीज में प्रभु इतना अच्छा करे कि हमेशा जो सुसमाचार प्रचार हम सुनते हैं और जिसे हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं उसके द्वारा हमारे जीवन से अद्भुत गवाहियां बनती हैं, ताकि हम जो आशीष पाते हैं परमेश्वर से अपने उनके दास दासनी के द्वारा हम लोगों के बीच में बता सकें कि परमेश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह है हम एक एक के जीवन में। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। साथ में मैं ये गवाही ये है कि जैसे कि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, मसीह फैमिली से हूँ, तो जैसे मेरी फैमिली शुरू से चाहती थी कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिले, एक अच्छा परिवार मिले, परमेश्वर ने मेरी फैमिली की मेरी दुआओं को, जैसे हमारे सीने पास जी हमेशा कहते हैं कि मैंने 10 साल अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना की थी ताकि मेरा मिले, उसके बाद में जाके उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया था। वैसे ही मेरे जीवन में कोई वो नहीं था, मैं पढ़ती थी अपने घर में मस्त रहती थी, पर मैंने जब वचन सुना एक दिन जब यूथ सर्विस में, तो वो वचन हृदय को छू गया और मैंने उस दिन से प्रार्थना करनी स्टार्ट की कि खुदा मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो तेरे अधीन में चले, तेरी सेवा का ही करे और वो फैमिली ऐसी हो जो सबसे ज्यादा परमेश्वर के दरबार में चलने वाली हो। तो मुझे वैसा ही परिवार मिला, वैसा ही जीवन साथी मिला। अभी तक बचपन से लेके अभी तक खुदा ने मुझे बहुत संभाला है हर चीज में, जैसे मेरा परिवार मुझे खुश रखता छोटी से बड़ी चीज में, वैसे ही मेरा सेकंड परिवार जो मिला है मेरे हस्बैंड का, मम्मी डैडी सब मुझे बहुत खुश रखते, मेरी छोटी से बड़ी जरूरतों को पूरा करने में टाइम नहीं लगाते हैं और हमेशा ये उत्साहित करते हैं कि बेटा एक ही है मकसद तुम्हारी लाइफ में कि परमेश्वर की ओर देख के चलना है, इधर उधर मत देखो, बस परमेश्वर में बढ़ते जाओ। सो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी लाइफ में अनगिनत आशीषें हैं खुदा की, अभी तक परमेश्वर ने मुझे मेरे परिवार को सबको संभाला है, मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे भी परमेश्वर संभालेगा। और मेरी गवाही ये है कि जब एक टाइम के जब पिछले साल मैं पौड़ियों से गिरी थी तो मेरा पैर ऐसे था कि जैसे लगा टूट गया है, पर चंगाई सभा वाला देखा फास्टिंग प्रेयर रखी हुई थी तो मैंने फास्टिंग भी किया, मैंने देखा कि मैं चल भी नहीं पा रही, मैं उठ भी नहीं पाई खुद से, पर मेरे अंदर एक जुनून था कि खुदा तेरी आराधना के लिए तेरी महिमा के लिए मैं जाना चाहती हूँ और मुझे उठा के खड़ा कर। जहां मैं उठ के खड़ी नहीं हो पा रही, मेरे हस्बैंड ने जब मुझे उठाया पौड़ियों से नीचे लेके आए, नमक वाला पानी मेरे पैर पे ढाला और मेरे अंदर से ये गवाही आई कि मैंने जो तुझे सामर्थ्य दी है, मैंने तुझे बल दिया है, तू चल सकती है, तू उठ सकती है, तू मेरी मंडली में जा सकती है, मेरे नाम को महिमा दे सकती है। और मैं उठी उस टाइम, मैं चली फिरी और मैं कलीसिया के अंदर आई। मैंने खुदा का बहुत शुक्रिया अदा किया कि प्रभु तूने मुझे उठा के खड़ा किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी एक गवाही छोटी ये है कि पिछले महीने मेरी सांस जहाँ से लेते हैं उसकी जगह गांठ निकली थी, मुझे खाने पीने में हर चीज में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, पर मैंने फास्टिंग प्रेयर किया और मैंने दुआ की, मैंने किया खुदा तू डॉक्टरों का डॉक्टर वैद्यों का वैद्य, मेरे लिए सब वैद्य डॉक्टर व्यर्थ है,
तो मैंने जब प्रार्थना की, 2 हफ्ते के बाद वो गांठ कहाँ गई, कैसे गायब हुई मुझे नहीं पता। और मेरी यही गवाही परमेश्वर में जब हम मजबूत होते हैं, जब हम मेडिसिन पे नहीं ज्यादा खुदा पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हम एक छोटी सी मेडिसिन की जब बुखार आता है विश्वास करते हैं कि खा लेंगे बुखार उतर जाएगा, पर हम अगर वो विश्वास खुदा पे रखें कि प्रभु तू मुझे चंगा कर सकता है, इस मेडिसिन की मुझे जरूरत नहीं है, तो परमेश्वर हमें चंगा ही दे सकता है। वैसे ही मेरी प्रेयर है कि खुदा ने मुझे चंगा किया, हर एक परेशानी से समस्या से अभी तक बचा के रखा है। और जब भी कुछ छोटी मोटी परेशानी होती है, मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरा सबसे बड़ा डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, मुझे चंगा करने वाला है। धन्यवाद हो सभी का, जो मेरा गवाही आप लोगों ने सुना, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि इस गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा हो। और यही गवाही मेरी।